वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु दी परम प्यारी सत्संग जीओ, आपां ने सारिया ने मिल के पिछले हफ्ते जपजी साहिब दे मूल मंत्र गुरमंत्र का विचार किया सी। सतगुरां नूं परम पिता परमात्मा ने अमृत नाम पिया के अमृत का प्याला दे के गुरमंत्र बख्श के जिस दे विच सर्व कला भरपूर अपनियां शक्तियां जड़ियां सी वह परम पिता परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं बख्श दित्तियां और जाके संसार दे विच इन्हां शक्तियां नूं नाम सिमरन कराउण दा जप कराउण दा आदेश दिता। उपरंत सतगुरु साहिब ने वेई नदी दे विच्चों निकल के संसार दे लोकां नूं इस मूल मंत्र की व्याख्या आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अपने श्लोक द्वारा लोगों नूं समझाई और लोगों नूं कहा कि जप इस मूल मंत्र का जप करो। भाई जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं अमृत का प्याला परम पिता परमात्मा ने बख्शिश किया उस तो बाद तीन दिन तक अमृत का नशा जिहड़ा सी ओ साहिब श्री गुरु नानक देव जी अगाए रहे मस्त रहे और परम पिता परमात्मा के दर्श और विचार भी करते रहे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं परम पिता परमात्मा ने बख्शिश की हे नानक ये अमृत जिहड़ा है जो भी छकेगा उसका मन शीतल हो जाएगा उसका जीवन जिहड़ा है जिउंदी जागदी जोत हो के सुखां दे विच विचरनी शुरू हो जाएगी उसका आत्मा का कल्याण हो जाएगा और वो आत्मा मेरे विच अभेद हो के मेरे गुणों नूं प्राप्त करती हुई मेरे सचखंड के द्वारे दे उत्ते आके विराजमान होवेगी। तो साध संगत जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं परम पिता परमात्मा ने यह पूछया हे नानक ये जो अमृत आप जी ने छकिया है ये आप जी नूं कैसा क लग्या? ये अमृत जो कैसा क आनंद जिहड़ा है आप जी नूं आया? तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उत्थे साहिब श्री गुरु परम पिता परमात्मा दे समक्ष एक शब्द उच्चारण किया जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 14 अंग दे उपर ये विराजमान है और सतगुरु ने बख्शिश की श्री राग दे विच कोटि कोट कोटि मेरी यार जा पवन पियो प्याओ कोट कोटि मेरी यार जा पवन पियण अपयाओ चंद सूरज दोए गुफे न देखा सपने सौण न थाओ पी तेरी कीमत ना पवे हों केवड़िया खानाओ साचा निरंकार निज थाए सुन सुने आखण आखना जे पावै करे तमाए कुसा कटियां वार वार पीसण पीसा पाए अग्गी सेती जालियां पसम सेती रल जाओ पी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़िया खानाओ पंखी होए के जे पवां सह समानी जाओ नदरी किसे न आवो ना किछ पिया न खाओ पी तेरी कीमत ना पवै
केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ की चै पाओ। मसू टोट ना आवी लेखन पौन चलाओ। पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़ आखा नाओ। ओ केवड़ आखा नाओ। वाहिगुरु गुरु दी परम प्यारी साध संगत जी, जद परम पिता परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं ये पुछया कि हे नानक ये अमृत तैनू कैसा क लग्या, जो मैं तैनू अमृत छकाया है कैसा क आनंद है इसका। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 14 अंग से जो उचारण है उस समय परम पिता परमात्मा के चरणों के सचखंड के द्वारे के उत्ते उचारण किया। तो सतगुरां ने उस परम पिता परमात्मा यह जवाब दिता कि हे सच्चे पातशाह, हे दुनिया के करता, हे दुनिया के मालिक, मेरी उम्र जिहड़ी है कोटि कोट करोड़ा करोड़ा साल हो जाए ते मैं पवन पी के ही गुजारा करा, ते चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, इन्नी भगती करा तेरी, इन्ना तेरा नाम सिमरन करा कि मैं चंद का भी कदे दर्शन ना करा, गुफा दे विच बैठा होया तेरा नाम सिमरन करता रवा, ते सूरज भी कदे ना मैं देखा, चंद भी कदे ना मैं देखा, ते सुपने दे विच भी मैनू सौण दा थां ना मिले, इन्नी भगती करा कि मैं सारी रात जागता सारा दिन रागता तेरी भगती करा। तो कहते सच्चे पातशाह, मैं फिर भी ये नहीं दस सकता कि तेरी कीमत किन्नी है, तेरे नाम की कीमत किन्नी है। मैं केवड़ आखा, मैं किड्डा किवें आखा कि ये नाम तेरा जिहड़ा तू दिता है ये एडा वड्डा है। पी तेरी कीमत ना पवे, सच्चे पातशाह तेरी कीमत नहीं पै सकती, ते तेरा नाम भी मैं किवें आखा कि तेरा नाम जिहड़ा तू अमृत मैनू छकाया है वह एडा वड्डा है, इन्नियां ताकतां वाला है, इन्नी बख्शिश करता है, इन्ना सुख बख्शदा है, इन्ना आनंद बख्शदा है, मैं नहीं कह सकता मेरे मुखों सच्चे पातशाह। फिर सतगुरु बख्शिश करते हैं कि साचा निरंकार निज थाए, सुन सुने आखणे आखणा जे पावै करे तमाए। हे परमपिता परमात्मा, तू सच्चा निरंकार है, भाव सदा रहण वाला सतनाम है, सदा रहने वाला है, तू अविनाशी है, तू कदे मिटन वाला नहीं है, तू सारी सृष्टि नू बनाया, तू सारी सृष्टि का करता है, तू सारी सृष्टि नू नाम बख्शिया है, तू सारी सृष्टि दे विच समाया होया है, तू निरंकार अपने निज दे थां दे उत्ते बैठा है, सचखंड द्वारे दे उत्ते बैठा होया है। तो मैं तो तैनूं सुन सुन के तेरिया बरकतां जिहड़ियां है, तेरे गुण जिहड़े है वह सुन सुन के मैं तैनूं आखना तेरी वड्याई, मैं नहीं पा सकता तेरी थां, पर जिवें तू मैनू दसे तो मैं तैनू सुन के तेरी वड्याई करनी है। जे भाव है करे तमाए, तो जे तू चाहें तो मैनू भी तमा दे विच डेग सकना है, मेरे मन नू भी तमा ला सकना है, मैनू तमा ला सकना है। सच्चे पातशाह मैं किवें कहां भी तेरी कीमत ना पवे, सच्चे पातशाह मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता, तो मैं किवें आखा कि तेरा एडा वड्डा नाओ है, एडा वड्डा नाओ है जिहड़ा आनंद बख्शदा है, जिहड़ा सारे संसार नू उतार दिंदा है, जिसने सारे संसार नू पैदा कीता नाम ने, वह किड्डा कु वड्डा है, मैं किवें कह सकदा अपनी जबान तो सच्चे पातशाह। फिर अगे गुरु साहब फिर बख्शिश करते है, गल विचार हुई, कुसा कट्टिया वार वार पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालिया पसम सेती रल जाओ। सतगुरु फिर कह लगे सच्चे पातशाह, अगर मैं तेरी वड्याई दे विच तेरी थां पाउण वास्ते कुसा कट्टिया वार वार, जिवें घा नू कट्टिया जांदा है ना, इस तरह जे किते मैं अपने आप नू कटा लवां, टुकड़ा टुकड़ा कर लवां, तिल तिल कर लवां, कटा कटा के जिवें घा कट्टिया जांदा है, ते गुरु साहब कहिंदे आ कि सच्चे पातशाह जे मैं सारी उम्र तेरे दर दी चक्की पीसन पीसदा रवां, अग्गी सेती जालियां अग्गां दे विच मैं जाया जावां अपने आप नू तेरे थां पाउण वास्ते, ते फिर भसम सेती रल जाओ, ऐसी मेरी स्थिति हो जावे कि बल के मैं भसम बन जावां और भसम वर्गा हो जावां,
ते सच्चे पातशाह हे परम पिता परमात्मा हे पार ब्रह्म परमेश्वर हे गुर पार ब्रह्म परमेश्वर मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता। मैं तेरे नाम नू किवें आखा कि वह एडा वड्डा है इन्ना आनंद देने वाला है इन्ना बरकतां देने वाला है सच्चे पातशाह मैं नहीं कह सकता। अगे गुरु साहब कहिंदे आ पंखी होए के जे पवा सह असमानी जाओ नदरी किसे न आवू ना किछ पिया न खाओ। कहिंदे सच्चे पातशाह जे तेरी था पाउण वास्ते मैं पंखी बन के असमान की उडारी भी ला दिया कि देखा परम पिता परमात्मा कित्थे है किहो जिहा है किन्नी ताकत है उसके नाम की किन्नी ताकत है। तो सच्चे पातशाह मैं एक समान नहीं योजे सौ समाना दे विच घूमता फिरा उडारियां मारता फिरा तो फिर ऐसी अवस्था बन जाए कि धरती दे उत्ते बैठे बंदे नू मैं किसे नू नज़र ना आवा ना कुछ पीवा ना कुछ खावा पर तेरी था दे विच मैं पंखी बन के असमाना दे विच पटकदा फिरा था पाउंदा फिरा पर सच्चे पातशाह भी तेरी कीमत ना पवे इन्ना करद्या होया भी तेरी कीमत नहीं पै सकती। मैं नहीं जान सकता कि तू किन्ना वड्डा है वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। सच्चे पातशाह मैं नहीं कह सकता तू किड्डा वड्डा है तेरी किन्नी कीमत है किन्ना वड्डा तेरा नाम है किन्ना आनंददायक तेरा नाम है। सच्चे पातशाह अगे साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने फिर अपने शब्द दे विच ये विचार किया है नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ की चै पाओ मसू तोट ना आवी लेखन पौन चलाओ। हे सच्चे पातशाह मैं तेरी वड्याई करन वास्ते तेरी था पाउन वास्ते जे मैं किते कागद लखा मण जिहड़ा है ना जिहदे उत्ते लिखिया होवे तेरी वड्याई ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੀ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਜਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਸੂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੇਖਣ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਗਜ਼ ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇਵਲ ਆਖਾ ਨਾਓ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਇਹ ਦਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਅਨੇਕ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਈਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੇ ਗਿਣੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਰਾਗ ਔਰ ਪਰੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਨੇਕ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਈ ਹਨ ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਾਵੈ ਤੂਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਪੌਣ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਬਸੰਤਰ ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਹਵਾ ਜਲ ਅਗਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਭਾਵ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਔਰ ਦੇਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਦੇ ਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਮਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦਰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ
सच्चे पातशाह संसार दे विच जिहड़े सिद्ध है जिन्हां ने सिद्धियां प्राप्त कर लईआं वह समाधि ला के समाधि दे अंदर तेरे दर दे उत्ते वह साध भी जिहड़े है जिन्हां ने साधना कर ली है वह सारे तैनू गा रहे हैं तेरा जस कर रहे हैं सच्चे पातशाह मैं देख रहा हूं। गावन जती सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। हुण सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं दिख रहा है कि जती सती जत वाले लोग सत वाले लोग संतोखी लोग जिन्ने क है वह सारे परम पिता परमात्मा नूं गाउंदे आ और गावे वीर करारे जिहड़े सूरबीर है करड़े हाथ दिखाउण वाले है सूरबीर वह भी जिहड़े है वह तैनू सच्चे पातशाह तेरे दर दे उत्ते खड़ के तेरे दर दे वडियाई कर रहे हैं तेरी वडियाई कर रहे हैं तेरे नाम की वडियाई कर रहे हैं। गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। हे सच्चे पातशाह तेरे भेदा नू जान के तेरी कृपा नू प्राप्त करके जेड़े पंडित हो चुके हैं जेड़े ज्ञानवान हो चुके हैं वो पढ़ते हैं तेनू रखीसर जो रिखी है जो जुग जिन्हां ने जुग जुग वेदा दे नाल जुगा जुगा तो तेरी भगती कीती है वह भी तेनू गा रहे हैं सच्चे पातशाह जुग वेदा दे नाल खड़े होके अपने वेद लैके भाव ब्रह्मा भी वेद चार वेद उच्चारण करता है ते तेरी भगती करके तेरा जस करता है तेरा नाम सिमरन करता है तेरी वडियाई करता है सच्चे पातशाह तेरे दर दे उत्ते मैं ये देख रहा है। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पे आले। गावे मोहनिया भाव स्वर्ग दियां मोहनिया मोहनी वाल करन वालियां इस्त्रियां मन मोहन वालियां सुरगा स्वर्ग भी सारा ते नाल मछ भाव मात लोग भाव जिसनों असी संसार कहने हैं संसार दे सारे लोग सारा संसार प्याले भाव पताल धरती दे विच भी जो लोग रहिंदे है पताल समेत वह तेरी वडियाई करते है सच्चे पातशाह। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले। सुरग मात लोग और पताल लोग भी तैनू सच्चे पातशाह परमात्मा गाउंदे है तेरा जस करते है तेरा नाम गाउंदे है तेरी वडियाई करते है। गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले। हे सच्चे पातशाह जो संसार दे समुंदरां दे विच रतन है जो तेरी कृपा नाल नाम सिमरन करके नाम रतन नू अपने हिरदे च बसा चुके है और खुद रतन हो गए है। गावन रतन उपाए तेरे जो तू रतन पैदा कीते ओ भी सच्चे पातशाह तेनू गाउंदे है और तेनू ओ भी गाउंदे है जिहड़े अठसठ तीर्थ नाले जिहड़े ठाठ तीर्थ है ना संसार दे विच ओ भी तेरे दर दे उत्ते खड़े तेनू हथ जोड़ के गाउंदे है सच्चे पातशाह। गावे जोद महाबल सूरा गावे खाणी चारे। सच्चे पातशाह गावे तैनू कौन गाउंदे है जो जोधे है सूरबीर है महाबली है सूरबीर है सूरे है गावे खाणी चारे। ते सच्चे पातशाह चारे खाणियां जिहड़ियां ना सारे संसार दे जीव चारे खाणियां दा मतलब उत्पुज अंडज जेरज सेतज चार खाणियां जिहड़ियां है जिन्हां दे विच संसार दे जीवां दी पैदाइश कीती गई है वह चारे खाणियां ही भाव सारे संसार दे जीव तैनू गाउंदे आ सच्चे पातशाह मैं देख रहा तेरे दरबार दे उत्ते। गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। गावे हे सच्चे पातशाह तैनू खंड भाव धरती मंडल भाव आकाश मंडल फिर वर पंडा भाव तेरे दर दे उत्ते जिन्हां ने भगती करके प्राप्त वर प्राप्त कर लिया है वह वर भंडे भाव वर दे भांडे वर प्राप्त किए हुए भांडे वर पंडा
कर कर रखे तारे, जेड़े तू कर करके वरपंड दे के वरपंड बना के वर दे के भांड्या नूं उन्हां नूं वर भंड बना दिता है ते ओ तू बनाया है, तेरे तारे होए है, वह भी तेरी वड्याई करते हैं सच्चे पातशाह। वरपंडा कर कर रखे तारे से तुदनों गावै जो तुद पावन रत्ते तेरे पगस रसाले, रत्ते तेरे भगत रसाले से ओ भी गाउंदे आ तैनू सच्चे पातशाह, जो तुद पावन जो तैनू चंगे लगदे आ जो तेरी भगती कर रहे आ, रस के नाम दे रस दे विच तेरी लीन है और तेरी भगती करदे आ, तेरे चरणां दे विच रत्ते होए आ, तेरे नाम दे विच रत्ते होए आ, तैनू बड़े चंगे लगदे आ सच्चे पातशाह, ओ भी सारे जिहड़े है तेरी उपमा कर रहे हैं, वड्याई कर रहे हैं, तेरे नाम का जस कर रहे हैं। होर के ते गावन से मैं चित नयावन नानक क्या विचारे। सच्चे पातशाह इन्ने क जिन्ने क तू मैनू मेरी निगाह द्वारा सचखंड दिखाया है, जिन्ने क मैं इत्थे तेरे सेवा करदे, तेरे उपमा करदे, तेरी वड्याई करदे, तेरा जस करदे, तेरा गुण गाउंदे, तेरा नाम गाउंदे, जिन्ने क मैं देखे है उन्हां नूं मैं बयान कर दित्ता सच्चे पातशाह। पर होर किन्ने गाउंदे है तैनू सच्चे पातशाह, ये मैनू नहीं पता, मेरे चित्त दे विच ये नहीं आउंदा कि तैनू होर भी किन्ने लोग जिहड़े है, किन्ने संसार दे विच जीव जिहड़े है, किन्ने दर जिहड़े है वह तैनू गाउंदे है सच्चे पातशाह, तेरा जस गाउंदे है, मैं नहीं विचार सकता। नानक क्या विचारे, की विचार करा सच्चे पातशाह, जो तू मैनू दिखाया मैं वह दस दिता, पर जो मैं नहीं देखिया मैनू नहीं पता कि वह किन्ने क होर लोग जिहड़े तेरा जस गाउंदे है, तेरी वड्याई गाउंदे है। कहिंदे सच्चे पातशाह यह तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। नानक क्या विचारे, की विचार करा सच्चे पातशाह, मैनू ज्ञान नहीं है। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। हे परम पिता परमात्मा, तू सोई सोई सदा सच, तू सदा सच है, साहेब है भाव सारी संसार दे विच वड्डा है, सब का मालिक है, सब का खसम है, सब का सच्चे पातशाह तू दाता है, सब का तू विदाता है, सब का तू पैदाइश करने वाला है, सब का तू करता है सच्चे पातशाह। साचा साहेब साचा साची नाई, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। हे साहेब, हे परमपिता परमात्मा, सच्चे साहेब जी, तू साचा है, साचे नां नाल, तेरे सच्चे नां नाल ही तू लोग गाउंदे है, तेरा जस गाउंदे है, तेरे नाम दा सिमरन करदे है, तेरी वड्याई करदे है, तेरा जस गा गा के तेरे तो बख्शां दी प्राप्ति करदे है, तेरे नाल प्यार करदे है। हैप्पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। हे परमपिता परमात्मा, तू सदा है, आदि तो लैके अंत तक है, मध्य विच भी है, जदों दी तू अपने आप नू स्थापित कीता है, अपने संभव अपने आप नू स्थापित कीता है, उदों दा ही तू है, अगे भी होएगा, तू किते जाना नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, ना किते जाए ना जासी, ना किते जाएगा ना किते गया है। रचना जिन रचाई, जिसने हे परमपिता परमात्मा तू रचना रचाई है, जिसने रचना रचाई है सच्चे पातशाह, वह सदा है और सदा रहेगा, वह किते जाएगा नहीं ना किते जा गया है। इस करके सच्चे पातशाह ये तेरी वड्याई है कि तू सदा सत हैं, सदा अविनाशी हैं, सदा किते जम्मण मरण दे विच नहीं आउंदा, किते आउंदा नहीं, जांदा नहीं, किते किते कोई तैनू मतलब चक्कर नहीं है, तैनू कोई आवागमन दा चक्कर नहीं है, 84 लाख जूनां दा चक्कर नहीं है, तू एक थां दे उत्ते स्थिर समसर अपने आसन दे उत्ते विराजमान है सच्चे पातशाह। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन्हें पाई। हे सच्चे पातशाह, रंगा रंगा दी मना माया नू पैदा करके संसार दे विच अनेक प्रकार दे रंग तू बखेरे है, संसार दे विच किधरे
सूरज है, कितने चंद है, कितने झरने हैं, कितने पहाड़ है, कितने नदियां है, कितने नाले है, कितने ज्वाला है, कितने रेत है, कितने रेगिस्तान है, कितने जल है, कितने ठंडक है, कितने शीत है, कितने गर्मी है। रंगी रंगी भाती करके तू सच्चे पातशाह अपनी माया नू पैदा कीता है। तू जिसने ये माया पैदा कीती है सच्चे पातशाह वो तू ही है। ये माया पैदा करने वाला सच्चे पातशाह तेरे बिना होर कोई नहीं है। मैं ये देख रहा हाँ, कर कर वेखै कीता है अपना जिव तिस दी वड़ियाई। हे परमपिता परमात्मा, तू कर करके जीवां नू कर करके सृष्टि नू कर करके नदियां नालियां नू कर करके धरती नू कर करके समुंदरां नू कर करके सच्चे पातशाह जीवां नू कर करके मनुखां नू कर करके पशु पक्षियां नू बना बना के सच्चे पातशाह अपने कीते हुए नू तू वेखदा है। भाव उस दी सार लैंदा है, उस दी पालना करदा है, उस दी विनाशना भी करदा है, उस दी पैदाइश भी करदा है। ये जिव तिस दी वड़ियाई, ये सच्चे पातशाह जे ये तू वेखदा ना, ये सारी ही उस परम पिता परमात्मा तेरी ही वड़ियाई है सच्चे पातशाह। ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सतगुरु परम पिता परमात्मा दे नाल वड़ियाई दे शब्द उच्चारण किए है। जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सतगुरु हुण परमात्मा की वड्याई कर रहे हैं और सानू भी समझा रहे हैं और परमपिता परमात्मा का जस भी गा रहे हैं। कहते कि जो तिस पावै, जो उस परमपिता परमात्मा चंगा लगता है वह परमपिता परमात्मा उही करता है। हुक्म न करना जाई, उस नू कोई भी बंदा संसार दे विच सृष्टि दे विच कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जिहड़ी उस नू हुक्म कर देवे। वह हुक्म दे विच सारे संसार नू चलाउंदा है, उस दा हुक्म जिहड़ा सारे संसार की पालना करता है, उस दा हुक्म जिहड़ा सारे संसार की विनाशना करता है। पर उस नू हुक्म करन वाला कोई भी सृष्टि दे उत्ते पैदा नहीं होया। सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। सो पातशाह का मतलब है कि सारी सृष्टि का मालक, सच्चा मालक, सतनाम पत रखण वाला पातशाह, सारी सृष्टि की पत रखण वाला पातशाह जिसने सारी सृष्टि बना के उस नू रिजक भी दिता है, उसकी पालना भी करता है, उस दे कर्मां दा लेखा भी करता है। तो इस तरह के नाल ओ साह है सारे बनजारे नाम दे बनजारे, कर्म दे बनजारे, धंधियां दे बनजारे, सारे बनजारे उस दे पैदा किए हुए है। साह ओ साह है सारिआं नूं बख्शां दिंदा है, धन भी दिंदा है, नाम धन भी दिंदा है, माया पदार्थ भी दिंदा है। वह सारी सृष्टि का शाह है, पात साहिब, सब तो वड्डा पात साहिब है, पत रखण वाला साहिब है सच्चे पातशाह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी बख्शिश करदे है, हे सच्चे पातशाह जे तेरी रजा दे विच रहा जावे ते ठीक है। सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। नानक, हे नानक, उसकी रजा दे विच रहना ही उसकी खुशी है। सच्चे पातशाह ने यह बख्शिश की है। इस तरह के नाल सारे सो दर का जो विचार सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उस स्थान के उत्ते बैठ के गुरु चरणा दे विच ए विराज किया, विराज के वर्णन किया। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं, भाई असी ये कहने हैं कि सचखंड के उत्ते सारा कुछ देखा गया और जदों सारा कुछ परमपिता परमात्मा ने दिखाया तो फिर धरती वल भी जिहड़ा सी सृष्टि वल भी गुरु नानक देव जी का ध्यान जिहड़ा सी वह परमपिता परमात्मा ने दवाया। इस दी गवाही भाई गुरदास जी ने अपनी एक वार दे विच लिखी है। सतगुरु बख्शिश करते हैं, भाई गुरदास जी उन्हां दी जो किरिया है उस नूं अपनी कलम द्वारा उद्धृत करते हैं। कहिंदे आ, पहला बाबे पाया बख्श दर पिछों दे फिर काल कमाई। रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी कमाई।
पारी करी तपस्या वड्डे पाग हर सो बने आई बाबा पैदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। सतसंग जी जदों असीं कहिंदे आ ना कि सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी वेई नदी दे विच सीधे सचखंड दे विच गए ते भाई गुरदास जी भी यही गल करदे आ कि बाबा पैदा सचखंड ते उत्थे परमात्मा तों की प्राप्त कीता नौनिद नाम गरीबी पाई। सारी निम्रता सारी वड्याई सारी सेवा सारा सच का कर्म जिहड़ा है वह परमपिता परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी की झोली दे विच पा दिता जिन्हों असी गरीबी कहने। गरीबी ये नहीं कि धन की गरीबी, गरीबी यह होंगी कि मन की निम्रता होनी, मन का निवाणा होना, मन नीवा होना, श्रद्धा भावना परमात्मा के चरणों च रहनी, इस का नाम गरीबी है। अगे कहते हैं जो फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने परम पिता परमात्मा ने धरती का दर्शन कराया तो फिर गुरु साहब ने वेख्या तो उसका बयान भाई गुरदास जी ने कुछ इस तरह लिखा है, बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सचखंड के उत्ते बैठिया जो परमात्मा ने धरती दिखाई ना तो गुरु नानक देव जी ने सारी पृथ्वी जिहड़ी सी जल्दी हुई तप दे विच अग दे विच अग्नि दे विच जल्दी हुई जिहड़ी सी सारे दे सारे संसार दे लोग सारी धरती जिहड़ी सी वह जल्दी हुई दिसी भाव अग्नि दे विच समाई हुई दिसी। कहिंदे फिर की होया कि गुरु नानक देव जी नू समझ आई कि बाज गुरु गुवार है कर दी सुनी लुकाई। जो साहिब श्री गुरु परम पिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नू यह कहा सी ना देश दिता सी कि भाई मेरा ये नाम सिमरन कराओ जग दे विच जाके जेड़ा ये नाम सिमरन करेगा उसका हिरदा सीत हो जाएगा वह अग्नि दे विच्चों जलना बंद हो जाएगा अग्नि उसकी मिट जाएगी उसके कर्म सच दे हो जाएंगे वह मेरे नाल सिमरन करके मेरे वर्गा गुणा का प्राप्ति हो जाएगा और मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। इस करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह समझ आई के बाजों गुरु गुवार है भाव संसार दे विच कोई भी गुरु परम पिता परमात्मा का नाम नहीं सिमरन कर रहा इस करके अंधेर छाया होया है अग्नि लगी हुई है तो सारी लुकाई जिहड़ी है हाय 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 करी जाती है। इस साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सचखंड के उत्ते बैठिया परम पिता परमात्मा ने दिखाई और साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह है कर दी लुकाई जिहड़ी है वह सुनी। फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मन बना लिया जदों वेई नदी दे विच्चों बाहर आए ते आउंदिया ही बाबे पेख बनाया उदासी दी रीत चलाई। इस संसार नूं नाम जपाउण वास्ते नाम दे सिमरन वाले लोकां दे जलदे हुए हिरदिआं नूं सीत करन वास्ते फिर बाबे जी ने एक उदासी रूप धारण कीता जिहड़ा कि थां थां ते जा के भटके हुए लोगों नूं सच दा रस्ता दिखाया नाम दा सिमरन करवाया उस नाम दे सिमरन दे सदके जिन्हां दीआं रूहां जलदियां सी ओह ठंडियां हो गईआं ते भाई गुरदास जी ने यह वेरवा जिहड़ा सारा उस सचखंड दे पहुंचण दा और बाबा जी नूं धरती दिखाउण दा और धरती दे उत्ते है करदी हुई लुकाई दिखाउण दा परम पिता परमात्मा ने जो कर्म कीता सी ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ सुनी पुकार दुतार प्रभ। जदों धरती ने यह पुकार लाई सी ना तो साहिब श्री परम पिता परमात्मा के कोल जाके तो परम पिता परमात्मा ने यह धरती की पुकार सुन के साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी के पहला ही बहुत सुची रूह सी गुरु की कृपा नाल
उस नूं बुलाया गया अपने चरणों के विच और उस नूं एक कम सौंपया जिहड़ा कि बाबे ने कहा है कि हो ढाडी बेकार कारे लाया रात दिहै कै वार धुरों फरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया। जिहड़ा साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं सचखंड के द्वारे के उत्ते बुला के परम पिता परमात्मा ने एक कम सौंपया कि तू परमात्मा दे नाम दा सिमरन संसार दे विच जाके करवाना और जल्दियां होईयां रूहां नूं जिहड़ा है उह सीत करना है। ये संसार जिहड़ा सारा जली जांदा है हाय हाय करी जांदा हाय हाय करी जांदा है ते ए इस नूं सीत करो जाके नाम दे सिमरन नाल। इस तरह दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी की वडियाई दे विच गुरु साहब ने कहा है भाई गुरदास जी ने कहा है कि सुनी पुकार दतार प्रभ कल तारण गुरु नानक आयो कल तारण गुरु नानक आयो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी पहला तो ही सुची हस्ती सी उस हस्ती नूं बुला के परम पिता परमात्मा ने अपनियां सारियां शक्तियां साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं बख्श दित्तियां ते नाल ही ये वचन किया कि अज तो जो तू करेगा वो मेरा किया होया होवेगा। हे गुरु नानक हे नानक अज तो बाद तू तेरा नाम गुरु परमेश्वर ते मेरा नाम गुरपार ब्रह्म परमेश्वर है। मैं अपनिया सारिया शक्तियां और अपना आप तैनू सौंप दिता है और तू संसार दे विच जाके जो भी करेगा वो मेरा किया होया ही होवेगा। तैनू ये बल दिता है तैनू ये शक्तियां दित्तियां कि संसार दे विच जाके इन्हां शक्तियां का प्रयोग करके संसार दे लोकां नूं नाम सिमरन करवा के जलदे हुए हिरदियां नूं जलदियां हुई रूहां नूं शांत करो धर्म का काज करो सच धर्म नूं प्रगट करो कूड़ का जो पसारा है उसका नाश करो संतां नूं उभारो संतां दी कृपा करके संतां नूं जो नाम दोगे उसकी कृपा करके ये परम पिता परमात्मा नाल ओ अभेद हो जाएंगे। इस तरह के नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं जदों ये बल बख्शिया हे नानक तेरा नाम गुर परमेश्वर तू परमेश्वर हैं मेरा ही स्वरूप है और मेरा नाम गुरपार ब्रह्म परमेश्वर है मैं तेरे हमेशा अंग संग रहांगा मैं तेरे उत्ते हमेशा कर्म करता रहांगा बख्शा करता रहांगा जो तू करेगा वो मैनू मंजूर होएगा जो तू कहेगा वो ही मैं करूँगा। इस तरह के नाल गुरु साहब कहते हैं कि आप नारायण कला तार जग मैं परवरिया फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपनी एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विच एक विचार है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा का स्वरूप किस तरह से तन निरंकार सी परमात्मा आप ही निरंकार धरती के उत्ते आया तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की ये बाणी बख्शिश करती है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो गुरु नानक जग माहे पठायो गुरु नानक जग माहे पठायो। इस तरह के नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं परम पिता परमात्मा ने संसार दे विच अपनियां पूर्ण शक्तियां दे के सर्व कला भरपूर करके जग दे विच भेज दिता और साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इस संसार दे विच आ के अपना नाम सिमरन करवाया ते नाम सिमरन दे नाल नाल जिहड़े के सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु परम पिता परमात्मा दे आसन दे उत्ते बैठ के तीन दिन दे विच अमूमन कहा जाता है कि जपजी साहिब दी रचना भी सचखंड दे द्वारे दे उत्ते कीती गई है। इहदे विचार आप जी नूं सचखंड दे द्वारे दे उत्ते जपजी साहिब जो कि सोधर दा रहरास सोधर दा जो पाठ असीं करदे हाँ जां सोधर जपजी साहब दे विच है या आसा जी दी वार दे विच है आसा आसा राग दे विच है ओ सोधर ए गल दी
अगवाई भरता है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सोदर राग ही नहीं, दर दा राग, दर दी उपमा ही नहीं, बल्कि सारे दा सारा जपजी साहब जिहड़ा है वह उत्थे सचखंड के द्वारे दे उत्ते उच्चारण किया है। और साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जदों देखिया परमात्मा ने संसार नूं दिखाया तो उत्थे सिद्धां दा भी देखिया, सनातन धर्म का भी देखिया, तो सारिया का वेरवा जोड़ा है वह साहब श्री गुरु मुसलमाना का भी देखिया। और साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सारू इस जपजी साहब के सचखंड के देख के उन्होंने जो कर्म से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो आओ इस तरह के नाल सच्चे पातशाह ने सब तो पहला जपजी साहब की पौड़ी जो लिखी, सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जे हुण असी परम पिता परमात्मा नूं प्राप्ति करन वास्ते कि ये सोचिए कि असी परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त करना है, उसका नाम सिमरन करना है, तो गुरु साहब कहिंदे भी साढ़े सोचियां कुछ नहीं होना। सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार, भावें लख वार सोची जाओ साढ़े सोचियां कुछ नहीं बनना। जो भी कर्म करना है वह परम पिता परमात्मा ने करना है, तो जो परम पिता परमात्मा करेगा उही हुंदा है संसार दे विच। साढ़े जीव दे सोचियां कोई ये जीव बंदा ये सोच लवे कि मैं फलाना काम कर दिया, जो बंदा सोचता है वह कदे नहीं हुंदा, जो हुंदा है वह परमात्मा का हुंदा है, परमात्मा करता है। तो फिर गुरु साहब इस करके सानू ये बख्शिश करते हैं कि भाई साढ़े सोचियां कि असी परमात्मा नूं प्राप्त कर लिए इस तरह नहीं होना। हाँ जरूर असी समर्पित होना है, असी जिज्ञासु बनना है, तो परमात्मा की कृपा होवे तो फिर सानू वो बख्शिश करके सानू निहाल कर देवे, अपना नाम बख्श देवे, अपने दरस दारे बख्श देवे। जिसनों तू जनाए है सोई जन जाना है, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन सेव्या तिन सुख पाया, जिन सेव्या तिन सुख पाया, जिन्होंने परमात्मा का नाम परमात्मा की कृपा नाल सेवन कर लिया, सेव लिया, भगती कर ली, सिमरन कर लिया, उन्होंने उत्ते परमात्मा की कृपा हो गई और उन्होंने जीवन जोड़ा वो सुखों वाला बन गया। ये गुरु साहब बख्शिश करते हैं। हूँ गुरु साहब ये कहें कि सोचा सोचना हो भी जे सोची लख वार। सोचा कहिंदे आ कि अपने आप नूं निर्मल करना, शुद्ध कर लेना, शौच, शौच का मतलब यह है कि अपने इशनान कर लेना। तो असी कई बार की करते हैं कि इशनान कर लिया जी, असी तीर्थां दा इशनान कर लिया, असी इशनान कर लिया, असी सुचे हो गए, तो गुरु साहब कहिंदे आ भाई इस तरह सोचा नहीं होया जांदा, इस तरह सुचा नहीं होया जांदा। सुचा किवें होया जांदा है? जदों परमात्मा की कृपा होवे, गुरु तो परमात्मा की कृपा नाल नाम की प्राप्ति होवे, ते फिर उस नाम की प्राप्ति करके असी उस गुरु की रजा दे विच रह के, गुरु की शरण दे विच रह के, गुरु नाल सुरती जोड़ के जदों असी उस परमात्मा दे दिते हुए बख्शे हुए नाम का सिमरन करते हैं उदों साडा मन जिहड़ा है ये शुद्ध हो जाता है, ये इशनान कर लैंदा है। गुरु साहब कहिंदे आ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बुण गुण कीते भगत न होए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब दे विच ही ये सानू एक बयान किया कि भाई तीर्थां दे नातियां कदे साडे मन दा, साडे कदे तन दा, कदे साडी रूह दा इशनान नहीं हुंदा गा। ठीक है असीं बारों बारों नहा लिया है, उपरली मैल लह गई है, पर मन कदे इशनान नहीं करता गा। मन की मैल जिहड़ी है, जन्मां जन्मां दे पापां की मैल जिहड़ी है, वह परमात्मा दे नाम दे सिमरन नाल ही लहिंदी है। तो गुरु साहब कहिंदे आ सुनिया मनिया मन कीता पाओ, जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे परमात्मा की कीती हुई वडियाई नूं, महापुरशां की कीती हुई वडियाई जो परमात्मा की है, जदों असी उस नूं सुणांगे उन्हां ने सानू एक रस्ता बताया होया कि भाई इस रस्ते ते चल के जिवें साडे साहिब गुरु श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दस गुरु साहिबान ने सानू एक रस्ता दिता है, सीधा जिहा रस्ता दिता है परमात्मा की भगती का, उस दे उत्ते चल के जदों असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण दे विच हो के नाम सिमरन करते
करते हैं परमात्मा सुरती दे जोड़ के परमात्मा दे चरणां च उदों नाम सिमरन करते हैं उदों बख्शिश हो जाती है कि साडा जिहड़ा है सुनिया मनिया उस नूं मन लिया जो सुनिया उस नूं मन लिया मन लिया तो परमात्मा नूं मन लिया तो जदों परमात्मा नूं मन लिया तो गुरु साहब कहिंदे आ मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछे पछताए मन्ने मन्ने मूँह चोटा ना खाए मन्ने जम की जस गुरु साहब कहिंदे आ भी मन्ने ही जम की जिहड़ी पीड़ है जम का जिहड़ा है ना वह ठाकिया जांदा है जम रुक जांदा है मन्ने तो परमात्मा नूं मन लिया परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए सानूं परमात्मा दीआं खुशियां प्राप्त हो गईआं तो फिर गुरु साहब कहिंदे आ भी ये जम जिहड़ा ना तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सतसंग जी इस तरह के नाल सुनिया मनिया कीता पाओ प्यार कीता परमात्मा की चरण शरण के विच परमात्मा दे नाल प्यार करके जदों असी परमात्मा का नाम सिमरन किया उदों परमात्मा ने सानूं बख्शिश देनी है। सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ प्रभाव नाम सिमरन करना असी परमात्मा का साडे हिरदे दे उत्ते एक परमात्मा का तीर्थ है उस तीर्थ दे विच जदों साडी आत्मा इशनान करती है ना परमात्मा का नाम सिमरन करती हुई परमात्मा के नाम अमृत नाल जदों सिमरन इशनान करती है उदों ये साडी आत्मा जिहड़ी है शुद्ध हो जाती है और फिर ये परमात्मा नाल मिलन कर लैंदी है परमात्मा का जोड़ हो जाता है ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उदों परमात्मा के दरसदारे भी हो जाते हैं और अखीर ते जाके ये नाम सिमरन करती हुई आत्मा जिहड़ी है परमात्मा के सचखंड द्वारे के उत्ते भी विराजमान हुंदी है परमात्मा के चरणों के विच जो हुक्म उस नूं हुंदा फिर उही कर्म करती है जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार वेखै विकसै कर विचार परमात्मा खुश हुंदा है उस रूह नूं देख के। ते इस तरह के नाल अंतरगत तीर्थ मल नाओ भाई नाम सिमरन करो अपने हिरदे दे विच ते गुरु साहब कहिंदे आ कि सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिण गुण कीते भगत ना होए। हे परम पिता परमात्मा सारे गुण तेरे कोल ही है तेरे ही है सारे गुण जिन्हें भी संसार के लोगों नूं तू गुण दिना है जिन्ना भी वड्याई दिना है जिन्ना भी तू जस संसार के लोगों नूं बख्शदा है वह सारा तेरा दिता होया है किसी बंदे कोल अपना कोई निजी नहीं है कोई बंदा मतलब ये नहीं कहता कि मैं सीख लिया नहीं सीखता वो उदों है जदों परमात्मा की कृपा होंदी है गुणा की प्राप्ति उदों होंदी है जदों परमात्मा की कृपा होंदी है तो फिर वो गुण जिहड़े असीं संसार दे विच जिहड़े आ वंडदे हैं लोगों नूं गुणा दे नाल लोगों का कल्याण करते हैं गुणा दे नाल लोगों का भला करते हैं ये परम पिता परमात्मा का सारी सृष्टि का खेल है इस करके गुण जिहड़े आ चंगे बंदिआं नूं चंगे गुण परमात्मा ही बख्शदा है। तो साध संग जी इन्हीं विचारां करते हुए सोचा सोचना हो भी जे सोची लख वार चुप है चुप ना हो भी जे लाए हाले उतार ते सच्चे पातशाह बख्शी करदे आ कि भाई जे तू संसार दे विच ये चाहें कि मैं चुप करके परमात्मा की प्राप्ति कर लवां ते फिर भी तेरे तो कुछ नहीं होने वाला क्यों क्योंकि परमात्मा ने यह मन की स्थिति ऐसी बनाई है कि यह माया के चक्कर दे विच फस जाता है और माया की कवरिंग जिहड़ी है इहनूं किते टिकण नहीं दिंदी ये बंदा कदे चुप हो के सुरती जोड़ के परमात्मा नाल सिमरन नहीं कर सकता भावें किन्नी भी कोशिश कर लवे चुप है चुप ना हो भी जे लाए रहा लिवतार परमात्मा नाल सुरती जोड़ ली लिव ला ली पर गुरु साहब कहिंदे आ मन अंदरों भज्जिया फिर भटकता फिरता है ओ फलाने थां ते ओ कम करना है फलाने दे उन्ने पैसे देने है फलाने दे ओ घर ओ मुंडे दा ब्याह करना है ओ फलाना करना है त्यौंगा करना है ओ धरती फलाने की जमीन जिहड़ी है 5 किले ओ फलाना खाई जांदा है ओनू रोकना है ए ऐसे चंगा कम्मां दे विच बेकार कम्मां दे विच मन जिहड़ा साडा भटकता रहिंदा पर लिव नहीं जुड़दी परमात्मा नाल गुरु साहब ये बख्शिश करदे आ। सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी ने सानू सिरे दी गल समझाई कि भाई चुप है चुप ना हो भी तेरे चुप करिया तू चुप नहीं होएगा तेरा मन अंदरों भटकता रहेगा बोलता रहेगा उल अरल परल मूहों बोलता रहेगा मन दे विच अनेक विचार जिहड़े है गलत आउणगे अनेक विचार आउणगे जिहड़े भटकण दे होणगे 10 दिशावां दे विच मन भज्जिया फिरदा रहिंदा है। तो फिर गुरु साहब कहिंदे आ भाई लिव नहीं जुड़दी गी ते लिव जे जुड़ भी जावे ते गुरु की कृपा होवे ते फिर परमात्मा का नाम सिमरन करिया लिव भी जुड़ जाती है गुरु साहब ये बख्शिश करते हैं। अगे गुरु साहब बख्शिश करते हैं भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पहार सतगुरु बख्शिश करते हैं कि ये बंदे नू माया की भुख क्योंकि बंदे नू माया भी
परमात्मा ने आप ही लाई है इस साडे अंतर हिरदे दे विच शरीर दे विच मन नूं 40 प्रकार दियां हड्डियां जिहड़ियां है 40 प्रकार दे जिहड़े कर्म जिहड़े है जां 40 प्रकार दे साडे रंग जिहड़े है वह परमात्मा ने बख्शिश लाई हुई है। परमात्मा ने साडे हिरदे दे विच अमृत भी पाया है, साडे हिरदे दे विच माया भी लाई है, साडे हिरदां दे विच बुराइयां भी पाईयां है, साडे हिरदां दे विच पाप कर्म भी जिहड़े है वह पाए हुए है। पर जिहो जा असीं कर्म करते हैं जिहो जी साडी सुरती बन जाती है उहो जा ही तुहानूं फल प्राप्त हुंदा। जे भगती करते हैं तो भगती मिलती है, जे असीं पाप कर्म करते हैं तो पापां दा फल भोगना पैंदा, नरक मिलता है। जे असीं किसी का भला करते हैं, नेकी करते हैं तो उहो जा फल सानूं मिलता है। जिवें कि आ बिजली दे बटन है ना, कोई पखा दा बटन है, कोई गीजर का बटन है, कोई कूलर का बटन है, कोई लट्टू का बटन है, ये जिहो जा बटन असी दबाने हैं उहो जा ही यंत्र जिहड़ा है वह कर्म करता है। इस तरह परमात्मा दे नाल सुरती जोड़ के जिहो जा मन साडा महसूस करता है, जिहो जा मन साडा चलना चाहुंदा है, जिहड़े कर्म दे उत्ते चलना चाहुंदा है, परमात्मा की कृपा नाल उही कर्म जिहड़ा है वह असीं प्राप्त करते हैं, उसे दा फल प्राप्त करते हैं। गुरु साहब कहिंदे कि माया जिहड़ी है इन्नी भुख बंदे नूं ला दिंदी है कि बंदा राजदा नहीं है। गुरु साहब कहिंदे आ कि अज लख मिले है, कल नूं कहेगा 10 लख होना चाहिए है, कल नूं कहिंदा करोड़ होना चाहिए है, अज मेरे कोले गड्डी जिहड़ी है फलानी है इस तों वड्डी होनी चाहिए है, 20 लख वाली होनी चाहिए है, इस तों वड्डे महल होने चाहिए है, एडे वड्डे जमीन मेरे कोले होर होनी चाहिए है। ये यानी भुख जिहड़ी है ना, तृष्णा जिहड़ी है वह मिटदी नहीं है बंदे दी। पर मिटदी कदों है? गुरु साहब कहिंदे जे किते परमात्मा की कृपा होवे ते परमात्मा दे नाम सिमरन की सुरती जोड़ के असी कोशिश करिए ते नाम सिमरन करिए ते तां परमात्मा की कृपा नाल जिहड़ी ए जिहड़ी है ना मिट जाती है। हुण गुरु साहब अगे कहते हैं सहस सियाण पां लख हो है तां इक ना चले नाल। गुरु साहब कहिंदे आ कि बंदे दे कोले सियाणपां बहुत है, बड़ा सियाणा बंदा है, लखां सियाणप है बंदे दे कोले, बंदा बहुत चंगीआं गल्लां करदा है, बहुत सियाणीआं गल्लां करदा है। पर गुरु साहब कहिंदे आ कि परमात्मा दे रस्ते दे उत्ते ये सियाणपां कम नहीं करदीआं, इहदे ते तां परमात्मा दी समर्पण भावना कम करदी है, परमात्मा दा प्यार कम करदा। जदों असीं परमात्मा दी समर्पण हो के परमात्मा नूं प्यार करके परमात्मा दे नाम सिमरन नूं गुरु तों लै के जो सिमरन करते हैं उदों परमात्मा की कृपा होंदी है कि साडा जीवन जिहड़ा है सुखां वाला हो जाता है, और साडे नाल जिहड़े साडे कीते हुए कर्म है, साडे नाल साडे नाम की पूंजी जिहड़ी है वह परमात्मा के द्वारे तक पहुँचती है, जिसनों देख के परम पिता परमात्मा सानू सचखंड के द्वारे के उत्ते अगों हो के जी आया कहिंदा है, सत्कार करता है, उस रूह का बहुत सत्कार करता है, उस रूह नूं फुल्लां दीआं वर्षां देवत्यां दे राग इन्ने नाद इन्ने मतलब खुशियां जिहड़ियां है कि उस रूह दे उत्ते कीतियां जांदियां कि सत्कार करन वास्ते कि यह जू जिहड़ी है परमात्मा दा नाम सिमरन करके भगती करके परमात्मा दे द्वारे ते आई है, परमात्मा इस दा सत्कार करता है। इस तरह दे नाल सच्चे पातशाह गुरु बख्शिश करदे आ, अखीर दे उत्ते सानू बख्शिश करदे है किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। तो गुरु साहब ने बख्शिश की है भाई जे सारे इस तरह के कर्म साढ़े बस नहीं है तो फिर किवें सच्चियारा होइए असी परमात्मा नाल मिल सकीए, किवें असी सच्चे होइए, किवें असी सुचे होइए, किवें साडा निर्मल मन होवे। तो गुरु साहब कहिंदे आ वी इह कूड़ की पाल जिहड़ी है ना साडे अगे लाई हुई माया की पाल लाई है ये किवें टुट सकती है, ये किवें मतलब असी इस तों बच सकते हैं। तो गुरु साहब कहिंदे आ एक ही सिरे की गल करी है परमात्मा की कृपा नाल कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हे जीव हे बंदे हे मनुख तू परमात्मा दे हुक्म दे विच परमात्मा दे हुक्म दी रजा नूं मनदा होया परमात्मा दे चरण शरण रह परमात्मा दे हुक्म नूं मन, और इस तरह दे नाल जदों तू चलेगा ना ते ए हुक्म भी जिहड़ा तेरे नाल ही परमात्मा ने लिखिया है, तैनूं समें समें सिर ये हुक्म बख्शिश करता रहिंदा परमपिता परमात्मा। ते इस तरह दे नाल जदों तू परमात्मा दी रजा दे विच रहेगा ना उस दे हुक्म दे विच बझिया होया तू अपने जीवन नूं संसार दे विच जीवेगा, पाप कर्मां तों बचेगा, कूड़ दी पाल तों बचेगा। ये सारा कर्म जिहड़ा है परमात्मा दी कृपा नाल होना भाई, इस तरह नाल तू परमात्मा दी बख्शिश प्राप्त कर सकदा है, परमात्मा दे दरस दारे प्राप्त कर सकदा है, परमात्मा दे नाम अमृत दा
जिहड़ा आनंद है वह इस संसार दे विच बैठ के माण सकदा है। और अखीर ते जाके परमपिता परमात्मा दे सचखंड दे द्वारे दे उत्ते तू परमात्मा दे आसन लैके परमात्मा तैनूं आसन देगा उत्थे बैठ के तू परमात्मा दे दसदारे भी कर सकदा है। सो इन्नियां विचारां करदे होए साधसंगत जी दास क्षमा दा जाचक है। अनेकां त्रुटियां रह सकदियां, अनेकां भुल्लां रह सकदियां, क्योंकि गुरबाणी अथाह सागर है। असी सागर दे विच्चों एक बूंद हाँ, असी सागर दा बयान नहीं कर सकते, पर जिन्नी कु परमात्मा की कृपा हुंदी है वह साढ़े तो बुला दिंदा है। असी आप नहीं बोलते, सानू जो परमात्मा बुलाउंदा है असी बोल दिंदे हां। सच्चे पातशाह कृपा करे, बख्शिश करे, अपना कर्म जिहड़ा है खुशियां, अपना कर्म जिहड़ा सच दा है वह सानू बख्शिश करे। असी इस तरह के नाल